हेलो एवरीवन, इन दिस क्लास वी विल रिवाइज कंप्लीट ट्रिगोनोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस। सब कुछ मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा, ऑल दी कॉन्सेप्ट्स जो जो आपको जानने चाहिए वो सब कुछ मैं यहाँ पे कवर करवा दूंगा आपको। ओके, सो वॉच द क्लास विथ कंप्लीट अटेंशन, मेक श्योर यू आर मेकिंग नोट्स। सब कुछ, ऑल दी कॉन्सेप्ट्स आपके यहाँ पे रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स बिगिन। एंड आई रिपीट माई सेल्फ, ये आपका SSC CGL मेन्स के लिए स्पेसिफिक है। कुछ चीज़ें आपको डिफिकल्ट लगेंगी। आई एम एज्यूमिंग दैट ऑल ऑफ यू हैव रेड, आपने पहले पढ़ा हुआ है ट्रिगोनोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस। कुछ कॉन्सेप्ट आपको एडवांस लगेंगे, बट दिस सेशन इज फॉर SSC CGL मेन, सो थोड़ा सा हम लोग एडवांस लेवल पे मूव कर जाएंगे फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। लेट्स बिगिन। ओके गाइज, मेक योर ओन नोट्स। मैं नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करता हूँ, नोट्स आपको बनाने हैं खुद के। ओके, सो दिस इज अ रिविजन क्लास फॉर SSC CGL मेन। आई रिपीट माई सेल्फ। ओके, बिगिन करते हैं। एज यू कैन सी, ट्रिगोनोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, सो ओके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम बेसिक, मैं पहले आपसे कुछ बेसिक चीजें पूछूंगा। ओके, आपको इसका आंसर देना है मुझे। हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीट, सब कुछ पढ़ेंगे, बट एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ट्राई टू आंसर दिस। लेट्स से साइन 31 पाई बाय 2 प्लस 30 डिग्री, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? साइन 31 पाई बाय 2 प्लस 30 डिग्री। ओके, आई होप आपको आंसर आ गया इसका। ठीक है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑल द कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो आंसर क्या होगा इसका, राइट? सोचिए आप। चलिए टॉपिक बिगिन करते हैं, डिस्कस करूंगा मैं, तब आप मैच कर लेना आपका आंसर सही है या नहीं। ओके, नाउ स्टार्टिंग द टॉपिक, दिस इज ट्रिगोनोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस, दोनों टॉपिक यहां पे कवर होंगे। ठीक है, ओके, स्टार्टिंग विथ सम इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो आपको याद रखना है। लेट्स से ट्रिगोनोमेट्री मीन्स वी आर डीलिंग विथ ट्रिगोनमेट्रॉन, ट्रायंगल का मेजरमेंट्स, वी आर डीलिंग विथ ट्रायंगल्स। सो इम्प्लिसिट कंडीशन, अगर मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, सो इम्प्लिसिट कंडीशन, इम्प्लिसिट मतलब क्या, द थिंग विच इज अंडरस्टूड, इम्प्लिसिट कंडीशन इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, थ्री एंगल्स का सम 180 डिग्री है, दैट्स द इम्प्लिसिट कंडीशन। ओके, सो ट्रिगोनोमेट्री में फर्स्ट चीज, अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, लेट्स से दिस इज 90 डिग्री, फाइन, ओके, दिस इज योर आर्गुमेंट एंगल। अगर मैं ऐसे ही लिख दूं तो फिर आप बोल नहीं पाएंगे कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है। हाइपोटन्यूज यू कैन से, 90 डिग्री का ऑपोजिट दिस इज हाइपोटन्यूज, यू कैन से दिस, बट कौन सा परपेंडिकुलर है वो आप बोल नहीं पाएंगे। लेट्स से दिस इज योर आर्गुमेंट एंगल, दिस इज थीटा, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, दिस इज योर परपेंडिकुलर, इन केस दिस इज थीटा, अगर ये आर्गुमेंट एंगल है। ठीक है, बेस होगा एडजेसेंट एंगल, दिस इज एडजेसेंट साइड, सॉरी एडजेसेंट साइड, दिस इज बेस। ओके, लेट से आर्गुमेंट एंगल मेरा ये है 90 डिग्री माइनस थीटा, अगर ये है आर्गुमेंट एंगल, इफ दिस इज द आर्गुमेंट एंगल, इन दैट केस आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा उसके अपोजिट साइड, मतलब दिस इज योर परपेंडिकुलर इफ दिस इज द आर्गुमेंट एंगल एंड दिस इज योर बेस। ठीक है, जिस केस में ये आर्गुमेंट एंगल है, ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है। ठीक है, ओके, नाउ और एक चीज आपको याद रखना है, दैट पाइथागोरस थ्योरम व्हिच इज एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, ये चीज भी आपको पता होगा, इसमें से हाइट स्क्वायर अगर आप डिवाइड कर देंगे, अगर एच स्क्वायर में कंप्लीट डिवाइड कर दूं, सो वन इक्वल टू पी बाय एच होल स्क्वायर प्लस बी बाय एच होल स्क्वायर, फाइन, सो क्या हो गया, दिस इज पी बाय एच इज साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ये, ठीक है, इसको साइन स्क्वायर थीटा, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, लाइक दैट आप यहां से ये भी प्रूव कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, दोस बेसिक आइडेंटिटीज। ठीक है, ओके, सो यहां पे कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक कॉन्फिगरेशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, मैं यहां पे और एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, साइन थीटा का मतलब है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा का मतलब है बेस, ये चीजें मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, दिस इज फॉर मेंस, दिस क्लास इज फॉर मेंस गाइस, दिस इज पी बाय एच कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच, ये सब हम लोग मैं और एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, टैन थीटा एक टैन थीटा पी बाय बी, वो सब नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं, दिस आर बेसिक थिंग्स। ओके, कॉन्फिगरेशंस पे बात करते हैं, बात करते हैं कॉन्फिगरेशंस पे। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फिगरेशन जो आपको इन दोनों में यूज होगा, दैट इज
क्रॉस लैडर थ्योरम, क्रॉस लैडर थ्योरम, ये सब पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये मेंस लेवल क्वेश्चंस में आपके यूज होंगे, ये पॉइंट्स यूज हो सकते हैं, ठीक है। सो आपको ये सब पॉइंट्स याद होने चाहिए। दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। अगर इस टाइप का फिगर है, इस टाइप का, दिस इज क्रॉस लैडर थ्योरम, मैंने ऑलरेडी ट्रिगोनोमेट्री में, ज्योमेट्री में आपको पढ़ाया हुआ है, जिसमें सी का लेंथ आएगा सी इक्वल टू ए बी बाय ए प्लस बी, डायरेक्ट रिजल्ट। दिस इज क्रॉस लैडर थ्योरम, आ रहा है, प्रूव होगा यूजिंग सिमिलैरिटी, ठीक है, बट यहां पे हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट देखेंगे। दिस इज ए बी बाय ए प्लस बी, फाइन, ये आपका सी का लेंथ हो गया। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्फिगरेशन है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल, दिस ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर। दिस इज 90 डिग्री, दिस बोथ आर 90, दिस इज लेट्स से ए बी सी डी। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें चार रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, व्हिच इज बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू डी सी एंड बी सी स्क्वायर इक्वल टू सी डी इंटू ए सी। उसके बाद ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी एंड इसके साथ साथ BD का लेंथ क्या होगा गाइस? BD का लेंथ, अगर मैं आपसे BD का लेंथ पूछूंगा तो क्या होगा? BD का लेंथ होगा AB into BC, AB into BC into BC divided by AC, ठीक है? Likewise मैं बोल सकता हूं AB square by BC square equal to AD by DC, AD by DC। ये पांच रिजल्ट, ये पांच रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। एंड दिस, टेक ए स्क्रीनशॉट, take a screenshot, ma'am. Okay, take a screenshot of this. So ये आपको याद रखना है, okay? Let's move to the next part. Okay, next part, some important configurations. Let's say this is the right angle triangle. पहले मैं बात करूंगा right angle triangle पे, उसके बाद हम लोग general पे आ जाएंगे. These are some important configurations. This is 90 degree. Let's say this is your argument angle theta, ठीक है। Hypotenuse का let's say length आपको a दिया है, ठीक है। This is one figure. Second figure is, this is your second figure. This is theta, ठीक है। यहां पे this is 90 degree. यहां पे आपको base दिया है, base का length दिया है। What is the meaning of this? इस triangle में, इस right angle triangle में आपको hypotenuse का length दिया है। a के जगह पे it can be 4 centimeter, 5 centimeter, whatever, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड फिगर हो जाएगा, लेट्स से दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, दिस इज योर आर्गुमेंट एंगल एंड लेट्स से 90 डिग्री एंड यहां पे आपको परपेंडिकुलर का लेंथ दिया है, ठीक है। सो इन तीनों में, इन टर्म्स ऑफ ए, इन टर्म्स ऑफ ए आपको बेस लिखना है और परपेंडिकुलर लिखना है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। सो दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज ए कॉस थीटा एंड परपेंडिकुलर इज वर्टिकल कंपोनेंट ए साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। जहां पे ट्रायंगल में आपको हाइपोटेन्यूज का लेंथ दिया है उसके टर्म में आपको एक्सप्रेस करना है बेस को और परपेंडिकुलर को। सो ये मैंने लिख दिया डायरेक्टली। उसके बाद एग्जाम में यू शुड बी एबल टू राइट दिस इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। सोचना नहीं है कि साइन थीटा लगाना है उसके बाद करेंगे, ना, डायरेक्टली रिमेंबर द कॉन्फिगरेशन, फाइन। अब देखिए यहां पे बेस दिया है, बेस के टर्म में मुझे एक्सप्रेस करना है हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर, क्या होगा? दिस इज ए सेक थीटा। सी, मैं कितना फास्ट लिख रहा हूं उसी हिसाब से आपको अपना स्पीड मॉड्यूलेट करना है, ओके। दिस इज ए टेन थीटा, फाइन। अब यहां पे परपेंडिकुलर दिया है सो आपको हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ए कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा एंड दिस इज ए कॉट थीटा। सो ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होने चाहिए, मैंने स्टार मार्क किया हुआ है ऑलरेडी। एंड नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको अगेन एन इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर रहा हूं मैं, अगेन 30, 60, 90 ट्रायंगल पे बात करेंगे अब, ये सब आपको याद होने चाहिए, ओके। लेट्स से दिस इज 90 डिग्री, दिस इज योर 60 डिग्री, दिस इज
30 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे साइड्स का रेशियो क्या होगा, साइड्स का रेशियो लेट्स से 30 के ऑपोजिट साइड का लेंथ है 1, अगर ये 1 है 90 के ऑपोजिट क्या होगा, इट विल बी डबल ऑफ दिस 2 होगा, और ये क्या होगा 60 के ऑपोजिट रूट थ्री टाइम्स होगा, 30 के ऑपोजिट जो है उसका रूट थ्री टाइम्स होगा, ये है रेशियो, ठीक है। अगर यहां पे ये ए होता 1 के जगह पे, लेट्स से इट्स ए, अगर ये ए होता ये होता 2a, ये होता रूट थ्री ए। आई होप आपको क्लियर हो गया, ये 30 के ऑपोजिट जो होगा 90 के ऑपोजिट जो होगा वो उसका डबल होगा, एंड 60 के ऑपोजिट जो होगा वो 30 का रूट थ्री टाइम्स होगा, फाइन ओके। नाउ सेकेंड इंपोर्टेंट ट्रायंगल इज 45 45 90 ट्रायंगल, ठीक है। ये सब हाइट एंड डिस्टेंस में आपके यूज होंगे, सो दिस इज, इसमें साइड्स का रेशियो क्या होगा, दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, फाइन, एंड दिस इज योर 90 डिग्री। इसमें 90 डिग्री के ऑपोजिट ऑपोजिट अगर 2 है या फिर लेट्स से 1 है, ओके, लेट्स से, हाँ लेट्स से 45 के ऑपोजिट अगर आपका a है, इसका ऑपोजिट भी a होगा, राइट, सो ये होगा क्या, दिस इज रूट टू ए, दिस इज रूट टू ए। अगर ये a है, लेट्स से यहां पे रूट टू ए नहीं होके खाली a होता, अगर 90 के ऑपोजिट a होता तो फिर ये क्या होता, 45 के ऑपोजिट a बाय रूट टू, एंड ये भी होता a बाय रूट टू। आई होप आपको क्लियर हो गया, दिस इज 1:1:√2, ये हो गया साइड्स का रेशियो। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रायंगल इज 36 90 45 45, दिस इज लेट्स से 15 75 15 75 90 ट्रायंगल, 15 डिग्री 75 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल, लेट्स से ये है आपका ट्रायंगल, इसमें साइड्स का रेशियो क्या होगा, लेट्स से दिस इज योर 15 डिग्री, दिस इज योर 75 डिग्री, दिस इज योर 90 डिग्री, 15 के अपोजिट अगर है रूट थ्री माइनस वन, 75 के अपोजिट होगा रूट थ्री प्लस वन, 90 के अपोजिट होगा 2√2, यह है साइड्स का रेशियो, ये है साइड्स का रेशियो। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, फाइन। अब इसमें और एक ट्रायंगल मैं आपका इंक्लूड करूंगा, इसमें यहीं पे कर दे रहा हूं, ठीक है, यहीं पे कर दे रहा हूं, दैट इज 120 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, 120 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री ट्रायंगल, लेट्स से दिस इज 120 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, इसमें क्या होगा, 30 के ऑपोजिट अगर 1 है, 30 के ऑपोजिट अगेन 1 होगा, 120 के ऑपोजिट रूट थ्री होगा, 1:1:√3, फाइन। सो कंप्लीट नाउ, टेक ए स्क्रीनशॉट, दिस इज 30 30 120 ट्रायंगल, ओके, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, फाइन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे, फाइन ओके। अब टॉपिक बिगिन करते हैं एक्चुअली आपका ट्रिगोनोमेट्री, जो हमने डिस्कस किया वही आपका यूज होगा हाइट एंड डिस्टेंस में, वही सारे ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो आप जान लेंगे, और बाकी क्रॉस लैडर थ्योरम थोड़ा सा यूज हो सकता है डिफिकल्ट क्वेश्चंस में, और बाकी 90 डिग्री 90 राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल, वो सारे रिजल्ट्स मैंने आपको ब्रीफ कर दिया, फाइन। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो बोलने की जरूरत है नहीं है, वो बहुत ही सिंपल चीज है, वो सबको पता होगा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वो क्या होगा, अगर मैं ऊपर देख रहा हूं जिस एंगल पे मूव हो रहा है, दैट्स एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। डिप्रेशन क्या होगा, नीचे नीचे देख रहा हूं, ठीक है। सो ये सब आपको पता होगा, वो मैं ब्रीफ नहीं कर रहा हूं। सो दिस पार्ट इज ओवर, इसका मैं सब कुछ बोल दिया आपको। नाउ मूविंग टू ट्रिगोनोमेट्री पार्ट, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में लिखूंगा, यू हैव टू नोट डाउन। ट्रायंगल में इंप्लिसिट कंडीशन इज ए प्लस बी प्लस सी इज 180 डिग्री, वेयर ए इज द एंगल, दिस इज द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। अंडर दिस कंडीशन, अंडर दिस कंडीशन, जहां पे ए प्लस बी प्लस सी इज 180 डिग्री, इस कंडीशन में कुछ कंडीशनल आइडेंटिटीज, मैं यहां पे अभी कुछ कंडीशनल आइडेंटिटीज लिखूंगा, जहां पे द कंडीशन इज ए प्लस बी प्लस सी इज 180 डिग्री, दीज आर नॉट जनरल आइडेंटिटीज, ये जनरल आइडेंटिटीज नहीं है, दीज आर कंडीशनल आइडेंटिटीज, जहां पे एक कंडीशन लिवाई कर गया, लिवाई किया हुआ है। देखिए फर्स्ट फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, 2c प्लस साइन 2c, ओके, साइन 2c इक्वल टू
फोर साइन ए बाय टू साइन बी बाय टू साइन सी बाय टू. दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी, फर्स्ट कंडीशनल आइडेंटिटी. दिस इज नॉट अ जनरल आइडेंटिटी, यह है कंडीशनल आइडेंटिटी. सेकेंड कंडीशनल आइडेंटिटी, कॉस टू ए कॉस टू बी प्लस कॉस टू सी. दिस इज माइनस वन माइनस फोर कॉस ए बाय टू कॉस बी बाय टू कॉस सी बाय टू. फाइन, माइनस वन माइनस फोर कॉस ए बाय टू कॉस बी बाय टू कॉस सी बाय टू. फाइन, ये आप नोट कर लीजिए. नाउ गाइज, दीज आर नॉट जनरल आइडेंटिटीज, दीज आर ओनली फॉर दिस कंडीशन. ये ट्रायंगल में सेटिस्फाई करेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं. नाउ थर्ड, ये सब आपको याद रखना है. ओके, अगर एग्जाम में आ गया तो डायरेक्ट रिजल्ट है, डायरेक्टली कैन राइट. थर्ड, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, ये क्या होगा? दिस इज फोर कॉस ए बाय टू. वन सेकेंड गाइस, दिस इज, ये ए बाय टू नहीं होगा, ये ए होगा. ठीक है, ये आपका ए होगा. गाइस यहां पे ये चीज मार्क कीजिए, दिस इज नॉट, वन सेकेंड, ओके, बाय मिस्टेक मैंने, दिस इज कॉस बी. हाँ, वो रेशियो टू इज टू वन रहेगा, रेशियो टू इज टू वन होगा, वो ये टू है तो ये होगा. फोर साइन ए साइन बी साइन सी, वन माइनस वन माइनस फोर, दिस. ओके, ए बाय टू नहीं होगा, जस्ट मैंने एडिट कर दिया. ओके, मैंने जस्ट बाय मिस्टेक मैंने ये कर दिया. हाँ, तो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, दिस इज फोर कॉस ए बाय टू कॉस बी बाय टू कॉस सी बाय टू. ठीक है, एंड फोर्थ आइडेंटिटी, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, दिस इज वन प्लस फोर साइन ए बाय टू साइन बी बाय टू साइन सी बाय टू. फाइन, फिफ्थ आइडेंटिटी, टैन ए टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी, दिस इज इक्वल टू टैन ए इंटू टैन ए इंटू मल्टीप्लाई होगा. दिस इज टैन ए टैन बी टैन सी, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है. टैन ए डॉट टैन बी डॉट टैन सी. फाइन, नोट इट डाउन. सिक्स्थ हो जाएगा आपका टैन ए बाय टू इंटू टैन बी बाय टू प्लस टैन बी बाय टू इंटू टैन सी बाय टू प्लस टैन सी बाय टू प्लस टैन ए बाय टू. दिस इज इक्वल टू वन, दिस इज इक्वल टू वन. मैं बोल दे रहा हूं, टैन ए बाय टू इंटू टैन बी बाय टू प्लस टैन बी बाय टू इंटू टैन सी बाय टू प्लस टैन सी बाय टू इंटू टैन ए बाय टू, दिस इज इक्वल टू वन. सब मल्टीप्लाई हो रहा है साइक्लिक ऑर्डर में. ओके, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन. छह फॉर्मूले, जस्ट नोट इट डाउन. ओके, आई होप आपने नोट कर दिया इसे. ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं. ओके, दिस इज अंडर द कंडीशन, ये किस कंडीशन में है? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री अंडर दिस कंडीशन. फाइन, ठीक है, कॉट का मैं रिजल्ट लिख नहीं रहा हूं, दैट इज मच एडवांस्ड हो गया. ओनली दिस सिक्स आर सफिशियंट. ओके, नेक्स्ट में मूव करते हैं. हाँ, नेक्स्ट कंडीशन इज अल्फा प्लस बीटा, दीज आर एंगल्स, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री. 180 डिग्री का हमने देख लिया, अब देखते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री. इस केस में कौन से कंडीशन होंगे? साइन अल्फा इंटू सेक बीटा इक्वल टू वन, उसके बाद सेकेंड कॉस अल्फा, दिस इज अंडर दिस कंडीशन. ठीक है, कॉस अल्फा इंटू कोसेक बीटा इक्वल टू वन एंड टैन अल्फा इंटू
tan beta equal to 1, cot alpha into cot beta equal to 1. Note it down. Under the condition alpha plus beta equal to 90 degree. Fine. Second result is, under this condition, sin alpha equal to cos beta. ठीक है, cos beta. Tan alpha equal to cot beta. Sec alpha, अरे cosec alpha equal to sec beta. ठीक है, किस कंडीशन में? Where alpha plus beta is 90 degree. Fine. ये दो results आपने लिख लिया. This is cosec alpha equal to sec beta. Fine. Third condition जो satisfy करेगा इसको, that is साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1, वेयर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री. ये तीन रिजल्ट आपको याद होने चाहिए. ठीक है, नोट इट डाउन, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट कंडीशंस वेयर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 45 डिग्री, जहां पे अल्फा प्लस बीटा 45 डिग्री होगा क्वेश्चन में, दीज आर डायरेक्ट रिजल्ट्स. इन दैट केस 1 प्लस टेन अल्फा इंटू 1 प्लस टेन बीटा, दिस इज इक्वल टू 2. कॉट अल्फा माइनस 1 cot beta, sorry, this is cot beta minus 1, this is 2. ठीक है, किस कंडीशन में? When alpha plus beta equal to 45 degree, the direct results, okay, क्वेश्चन में यूज हो जाए. जहां पे ये कंडीशन है अल्फा प्लस बीटा 45 डिग्री, सो ये conditions लग सकते हैं. Remember this. Fine guys. Next move करते हैं. नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट आपका, मैंने आपको एल्जेब्रा में एक टाइप बताया था. मैंने एल्जेब्रा में आपको ये चीज बताया था, ए एक्स प्लस बी वाई होल स्क्वायर प्लस अगर कोफिशियंट चेंज हो जाएगा. अगर मैंने ये एल्जेब्रा में ऑलरेडी आपको आइडेंटिटी बताया हुआ है, उसका एप्लीकेशन अब देखेंगे. ए वाई माइनस बी एक्स होल स्क्वायर this is equal to a square plus b square into x square plus y square. ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था. अब इस पे कुछ रिजल्ट्स आपके ट्रिगोनोमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, वही लिखता हूं मैं. दिस यू हैव गॉट टू रिमेंबर इट. इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा. इसको मैंने स्टार मार्क कर दिया. ठीक है, a sin theta plus b cos theta equal to, अगर c है, ठीक है, सो कोफिशियंट चेंज करेंगे हम. जैसे यहां पे देखिए कोफिशियंट चेंज हुआ है. ठीक है, तो इन दैट केस ए कॉस थीटा प्लस माइनस सॉरी ए कॉस थीटा माइनस माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? दिस इज रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. डायरेक्ट फॉर्मूला, ये वाला चीज गिवन होगा, ये चीज पूछा होगा. सो दिस इज द डायरेक्ट थिंग. नोट इट डाउन. सेकेंड रिजल्ट अगर आपको दिया है, ए सेक थीटा प्लस बी टैन थीटा इक्वल टू सी. कोफिशियंट चेंज करेंगे, ए टैन थीटा प्लस, यहां पे प्लस होगा, यहां पे माइनस नहीं होगा. फर्स्ट थिंग, यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस होगा. ओके, प्लस बी सेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू, दिस इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. सेक का जो कोफिशियंट है ए, वो रहेगा माइनस में. ओके, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. नोट इट डाउन, दिस आर डायरेक्ट रिजल्ट्स. ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ये पूछा होगा. सो दिस इज द डायरेक्ट रिजल्ट. फाइन, नोट दिस.
नोट दिस, ओके ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, ओके नेक्स्ट चीज देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, क्वाड्रेंट्स, ठीक है। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पे ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। यहां पे ऑल ट्रिगो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस, टैन कॉस, सेक कॉस, सेक, ऑल आर पॉजिटिव, सो ए। यहां पे साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, यहां पे टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव, यहां पे कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, ठीक है। और इसका रीजन भी बहुत सिंपल है, द रीजन इज ऑल्सो वेरी सिंपल। लेट से यहां पे मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं, द रीजन क्यों हो रहा है ये चेक कीजिए। लेट से यहां पे एक ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं 90 डिग्री का, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे एक्स भी पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, सो दिस इज, लेट से दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स वाई, सो एक्स भी पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव। अब अगर यहां पे अगर मैं ट्राइंगल ड्रॉ करूंगा, ठीक है, सो यू कैन इजिली गेस क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। यहां पे एक्स नेगेटिव हो गया है, ठीक है, और वाई पॉजिटिव है, ठीक है। सो आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहां पे साइन क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज वो दोनों पॉजिटिव है, इसलिए साइन पॉजिटिव है, साइन एंड कोसेक। और बाकी क्यों नेगेटिव है, क्योंकि बाकी में आपका एक्स इन्वॉल्व हो जाएगा। लाइकवाइज फॉर थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको रीजन क्लियर हो गया क्यों एएसटीसी रूल जो सेटिस्फाई कर रहा है, द रीजन ऑफ दिस आपको क्लियर हो गया होगा, ओके। नाउ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दिस, नाउ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो मैं क्लियर कर रहा हूं आपका, ओके हाँ दिस लाइन इज बेसिकली, दिस इज 2n पाई, ओके दिस इज 2n प्लस पाई और 2n माइनस पाई। लेट से आई एम राइटिंग 2n माइनस 1 पाई, ठीक है। दिस लाइन इज बेसिकली, द हॉरिजॉन्टल लाइन इज मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। दिस इज इवन मल्टीपल, दिस इज ऑड मल्टीपल, और दिस लाइन इज योर 4n प्लस 1 पाई बाय 2। ये पाई बाय 2 का मल्टीपल है, और इन स्पेसिफिक कौन सा, 4n प्लस 1 पाई बाय 2, ठीक है। एंड दिस इज 4n प्लस 3 पाई बाय 2 और 4n माइनस 1 पाई बाय 2, ठीक है। अब जब मैंने इनिशियल में जो क्वेश्चन आपसे पूछा था मैंने, ठीक है, अब यहां पे एक चीज आपको याद रखना है, ये ऑलरेडी आपको पता होगा कि यहां पे बेसिकली टी एन पाई प्लस माइनस थीटा, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू टी थीटा, और प्लस और माइनस आपका डिपेंड करेगा टी एन पाई प्लस थीटा। अगर मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा, सो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वही रहेगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा अगर मल्टीपल ऑफ पाई प्लस और माइनस थीटा है, ठीक है। मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा है, वहां पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वही रहेगा। अगर साइन एन पाई प्लस थीटा, दैट इज साइन थीटा, प्लस और माइनस डिपेंड करेगा कि ये फंक्शन उस क्वाड्रेंट में क्या साइन है उसका। क्या मैंने बोला, देखिए यहां पे अगर एन पाई प्लस और माइनस थीटा है, सो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन विल नॉट चेंज। साइन किस पे डिपेंड करेगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है, ओके। अब टी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू प्लस माइनस थीटा, यहां पे क्या होगा, यहां पे साइन विल बिकम, साइन विल बिकम कॉस। यहां पे आपका जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू प्लस और माइनस थीटा हो रहेगा, उस केस में आपका साइन विल बिकम कॉस एंड कॉस विल बिकम साइन, एंड मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑल्टरनेट हो जाएगा, टैन कॉट सेक कोसेक, ओके। कब, जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू होगा प्लस और माइनस थीटा, उस केस में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। एंड साइन किस पे डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में उस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का साइन जो है उस हिसाब से साइन आ जाएगा। मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछा था, मैंने स्टार्टिंग में साइन 31 पाई बाय टू प्लस थीटा, ठीक है, साइन 31 पाई बाय टू प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा, दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, सो डायरेक्टली फर्स्ट तो कॉस आ जाएगा एज पर दिस, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, फर्स्ट तो कॉस आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट तो ये कहां पे लाए कर रहा है 31 पाई बाय टू, दैट इज 4n प्लस 3 पाई बाय टू,
31 पाई बाय 2 मतलब यहां पे लाई कर रहा है, ठीक है, यहां पे लाई कर रहा है, 4 से डिवाइड कीजिए, सो दिस इज अ फॉर्म 4n प्लस 3 और 4n माइनस 1, यहां पे है प्लस थीटा मतलब यहां पे आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा। अब इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन क्या होगा, साइन इज नेगेटिव, साइन अगर नेगेटिव है तो फिर माइनस कर दिया, माइनस कॉस थीटा, क्लियर। अगर 30 डिग्री दिया होगा, 31 पाई बाय 2 प्लस 30 डिग्री, सो माइनस कॉस 30 डिग्री, ठीक है, दैट इज आप वहां से बोल सकते हैं डायरेक्टली, दैट इज माइनस 3 बाय 2 हो जाएगा अगर 30 डिग्री आंसर होगा तो, 30 डिग्री अगर एंगल दिया है तो। ओके, ये आपको क्लियर हो गया, अब लगभग सब कुछ तो मैंने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं कुछ आइडेंटिटीज, कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दीज आर योर बेसिक आइडेंटिटीज, ठीक है। बट यहां पे जिस ये बात आपको याद रखना है, दिस पार्ट सी, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, सो आई कैन से साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, सो यहां से मैं बोल सकता हूं साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। लाइकवाइज आई कैन से अगर 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा होगा, सो दिस इज कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा, लाइकवाइज। ओके, जहां पे ये दिया होगा आप रिप्लेस कर सकते हैं उससे, जहां पे ये दिया होगा आप रिप्लेस कर सकते हैं इससे, फ्रॉम दिस वी आर गेटिंग टू दिस, यहां से आ रहे हैं हम लोग, फाइन, ये आपको क्लियर हो रहा होगा, फाइन, ये आपको क्लियर हो गया होगा क्या किया है मैंने। ओके, सो यहां पे और कुछ इंपोर्टेंट रिजल्ट्स हैं, मैं यहां पे स्टार मार्क कर रहा हूं, दैट इज sec स्क्वायर इंटू cosec स्क्वायर, इसको नेक्स्ट स्लाइड में कर रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में कर रहे हैं, sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लाइकवाइज cot स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, दिस इज स्क्वायर, ओके, दिस इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, फाइन फाइन, सो दिस आर सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ये आपको याद रखना है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रिगोनोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस, मैंने आपको रिवाइज करवा दिया ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स, बाकी साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी वो सब फॉर्मूले वो आपको ऑलरेडी आप देख लेंगे वो एक बार, ठीक है, वो फॉर्मूले मैं लिख ले रहा हूँ, ठीक है, और एक बार साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक के ग्राफ देख लेंगे, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वो चेक कर लेंगे, और उसके साथ वट एल्स, वैल्यू पुटिंग पे बात कर लेते हैं, वैल्यू पुटिंग कहाँ पे आप करेंगे, अगर क्वेश्चन में आपके, मैं वैल्यू पुटिंग का अगर बात करूं, अगर क्वेश्चन में जीरो डिग्री है, जीरो आपको पता है कॉट जीरो एंड कोसेक जीरो, दैट इज नॉट डिफाइंड, सो क्वेश्चन में अगर कॉट या कोसेक है तो क्वेश्चन में आप जीरो पुट नहीं करेंगे, फर्स्ट वैल्यू पुट कहां पे करेंगे, वैल्यू पुटिंग कहां पे करेंगे, अगर क्वेश्चन में वेरिएबल्स है अल्फा एक्स वाई कुछ वेरिएबल्स हैं एंड ऑप्शन में नंबर्स हैं, ऑप्शन में नंबर्स हैं, उस केस में आप वैल्यू पुट करने का ट्राई करेंगे, अगर क्वेश्चन लेंथी है क्वेश्चन में भी वेरिएबल्स हैं आंसर में भी सेम वेरिएबल्स हैं, सो ऑल्सो ट्राई टू पुट वैल्यूज, कौन से वैल्यू पुट करेंगे 30 डिग्री या 45 डिग्री पुट करके आराम से आप आंसर निकाल लेंगे, ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट वैल्यू पुटिंग, हमेशा ये चीज आपको अवॉइड करना है, अगर इस टाइप का फॉर्म आ जाएगा, जो वैल्यू पुट करने से ये टाइप का फॉर्म आ जाएगा उसको अवॉइड करना है, 1/0 0/0 ये सबको अवॉइड करना है, ठीक है, जहां पर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा उस चीज को अवॉइड करना है, ठीक है, 30 डिग्री 45 डिग्री यू कैन पुट आराम से एंड गेट थ्रू, ठीक है। ओके, सो एज आई सेड अगर क्वेश्चन में कॉट या कोसेक दिया है तो हम जीरो पुट नहीं करेंगे क्योंकि कॉट जीरो एंड कोसेक जीरो आर नॉट डिफाइंड। ओके,
तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको नोट करना है, और इसी के साथ मैं आपका रिविजन खत्म करता हूँ ट्रिगोनोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस का. ओके, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कैसा लगा क्लास. ओके, या हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, बस कॉन्सेप्ट रिवाइज किया है सब कुछ मेंस से पहले. ओके, थैंक यू सो मच सर.